हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडसा समाकलन का आज हमारा चौथा सेशन है और आज हम एक स्पेशल टॉपिक को लेके आए हैं जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब त्रिकोणमिति विस्थापन। देखिए, हमने पहले भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है इंटीग्रेशन में। एलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, बहुत तरह के सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है। लेकिन आज हम स्पेशल क्लास लेके आए हैं आपके लिए, वो है कि किसी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फंक्शन को देख के पहचान में आना चाहिए कि हम एक्स के जगह में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा से लेकर कोसेक तक कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, यदि मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ये एक चार्ट आपको प्रोवाइड कराया था। मैंने बोला भी था को एक बार देख लेना। बाय द वे, कुछ स्टूडेंट बीच में ज्वाइन किए नहीं देख पाए होंगे, तो आज मैं फिर उसको आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ। और वो चार्ट आपका प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, तो कई जगह काम का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन का चार्ट है और इस सब्स्टिट्यूशन के चार्ट को आपको किस तरह से यूज़ करना है। देखिए, जैसे फंक्शन इस रूप में हो, यदि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखे तो आपको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना है। ओके, इस तरह से आपको करना है। ये मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, हो सकता है आप लोग को देखने में छोटा लगे। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू एस एक्स थीटा पुट करेंगे। तो ये आप समझ लेना कि यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि किसके जगह में हमको क्या पुट करना है। ये पूरे आपको यहाँ से करने हैं, ठीक है? ये आपको तैयार कर लेना पूरा इस तरह से। ये 9 इस पेज में आपको मिलेगा और इसके बाद ये 9 का कलेक्शन आपको इस पेज में, इसके बाद ये आपको कलेक्शन, ये मैंने 15 कलेक्शन, ये बहुत यूनिक कलेक्शन है। ये यदि आपके पास हो तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि हमको किस फंक्शन में क्या पुट करना है। तो पहला काम तो आपको ये है कि आप इसको पुट याद कर लो। जैसे 1 + x / 1 - x, तो देखो x इक्वल टू क्या पुट करना है, 10 थीटा पुट करना है। कहीं पर भी 1 - x² / 1 + x² हो तो x इक्वल टू 10 थीटा पुट करना है। और उसे पुट करने के बाद आपका फंक्शन जिस फॉर्म में चेंज होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी आपको याद रखना है। वैसे एक्चुअली कैलकुलस में अच्छा कमांड के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। ये मैं तब से आपको बता रहा हूँ जब से मैंने डिफरेंशिएशन, दैट मींस जब से मैंने कैलकुलस स्टार्ट किया है, ठीक है? तो वो तो उसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है, उसके बिना कुछ काम होता नहीं है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन आज आपको बता दें जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ देखो मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और वो सफिशियंट है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन, क्योंकि कुछ स्टेप के बाद तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, खंडसा समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे चल के आप उसको यू इंटू वी से ही करते हैं। तो स्टार्टिंग के 4-5 स्टेप नया है, उसके बाद पूरा पीछे चला जाता है, इसीलिए मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है लेकिन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो नाउ क्वेश्चन इज एक्स साइन इनवर्स एक्स। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो प्राय आते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x² √1 - x² dx। यह है
हमारा क्वेश्चन। अब देखो, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपका ये रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को देख के ये गेस हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमको क्या पुटअप करना है। देखो, मैं एक बार आपको अपने चार्ट से उसको मैच भी करा देता हूँ। रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह, वहाँ पर ए की जगह वन है, तो क्या पुट करना चाहिए, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। दैट मीन्स वहाँ पर ए तो वैल्यू वन है, तो साइन थीटा पुट करना चाहिए। तो यहाँ से आपको उसका आइडिया मिल जाएगा, ये चार्ट पूरा आपको बता देगा कि कहाँ पर क्या पुट करना चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो याद भी हो जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखें, नाउ पुट एक्स इक्वल साइन थीटा। और जैसे ही आप उसको पुट करोगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपन उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो यह हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, इसको करेंगे अपन डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। देयरफॉर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल, ये साइन थीटा का रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू कास थीटा इंटू डी थीटा। ये हमने निकाल लिया सबसे पहले डी एक्स का वैल्यू। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ निकाला है वो सब वैल्यू को क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में अपन पुटअप करेंगे। तो देयरफॉर नाउ क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, देखो किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमने लिया है क्या, साइन थीटा। तो एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर साइन थीटा इंटू, यहाँ देखो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर आप देखो कि एक्स इक्वल टू हमने साइन थीटा लिया है, देयरफॉर यहाँ से मैं यहाँ पर इसको एरो लगा के लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, इसको मैं यहाँ एरो लगा के लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि हम यहाँ से थीटा निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पर थीटा होगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर दें इंटू थीटा, क्लियर। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, वहाँ से ये पुट कर दिया थीटा। अब डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये डी एक्स, और डी एक्स का वैल्यू क्या है, कास थीटा डी थीटा। इतना हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कास थीटा डी थीटा, क्लियर यहाँ तक। तो पूरा जो हमारा वैल्यू है जो एक्स के फॉर्म में था वो पूरा किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं किस तरह से सरल होगा। देखो ये हो गया, ये थीटा अलग है ना, थीटा को मैं सामने लिख देता हूँ, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा, और अपान वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कास थीटा। दैट इक्वल, देखो आगे चल के क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। यहाँ पर आप देखो ये कास थीटा के साथ में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा ओनली थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, और ये आपको करना आता है। यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, और u इंटू वी से फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलो तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। दैट इक्वल u, मतलब थीटा इंटू इंटीग्रेशन आप, अब आपको मालूम है किसको क्या लेना है, तो साइन थीटा डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन आप डी बाई डी थीटा आप थीटा इंटू इंटीग्रेशन आप साइन थीटा डी थीटा और इसका होल इंटीग्रेशन डी थीटा, ओके। दैट इक्वल एक लाइन इंटीग्रेशन कर दें यहाँ पर, थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कास थीटा, तो हो गया माइनस कास थीटा, और माइनस ये वन हो जाएगा साइन थीटा के, माइनस कास थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कास थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर। तो माइनस थीटा इंटू कास थीटा प्लस कास थीटा डी थीटा। अब आगे हम इसको थोड़ा सा मूव कर लें,
इतना चलेगा। अब हम यहां पर इसके एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं, फिर वैल्यू पुट अप करेंगे। तो देयरफॉर आई इक्वल माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फिर इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो प्लस हो गया साइन थीटा। दैट इक्वल माइनस, अब हमारा सब्सटीट्यूशन साइन के फॉर्म में है तो पूरे क्वेश्चन को हमको साइन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसके सब्सटीट्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो हमने थीटा लिख लिया, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये वाला साइन थीटा, दैट इक्वल माइनस थीटा। तो माइनस थीटा का वैल्यू अपन जब पुट अप करेंगे तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं साइन इन्वर्स एक्स, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या है एक्स, तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है एक्स है, एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए एक बार देखें हम इसका आंसर टैली कर लें क्या आया है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। एक्स माइनस साइन इन्वर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस साइन इन्वर्स, ठीक है एक्स को पहले लिखा हुआ है, ठीक है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी की बुक में एक्स को पहले लिखा फिर ऐसा लिखा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, देखिए कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करने के बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन है, फिर लास्ट में हम इसको u इंटू v से इंटीग्रेट करते हैं इस कंडीशन में आने के बाद, ठीक है i इक्वल टू इस कंडीशन में आने के बाद हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे दो चार क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और इसके बाद फिर आप अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके पास बुक में जो भी क्वेश्चन अवेलेबल होगा, बस प्रॉपर सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में पता चल जाना चाहिए कि मुझे वेरिएबल मतलब एक्स के जगह में क्या पुट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा क्वेश्चन ले लें, चलो 10 वाला ले लेते हैं, एक दो अलग अलग, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। x tan इनवर्स x, x इंटू टेन इनवर्स x dx एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये क्वेश्चन हमको करना है। देखिए अब यहाँ पर नेचुरली आप जब देखोगे चार्ट से, आप देख लेना, अब ये वन प्लस एक्स स्क्वायर को देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। वैसे यहाँ से भी पता चलता है कि टेन थीटा पुट करने से टेन वहाँ से हटेगा, बहुत गाइडलाइन मिल जाता है, प्रैक्टिस के बाद तो फिर कुछ ज़रूरत पड़ता ही नहीं। मैं बता दूँ आपको, यदि आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो गया है तो पता ही नहीं चलता। नाउ पुट x इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यह डी थीटा इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करना होगा ना, चार्ट को देखो टेन थीटा ही पुट करना होगा ना, डी एक्स, एक मिनट चलो मैं कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन कर दूं पहले, कई लोग के लिए डायरेक्ट थोड़ा दिक्कत आएगा। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, देयर दैट इम्प्लाइज डी एक्स बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, देयर फोर अब डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये हमने सब्सटीट्यूशन कर दिया यहाँ तक, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देयर फोर अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप ध्यान देना अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर टेन थीटा है, ये हो गया टेन थीटा इंटू टेन इन्वर्स एक्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जैसे ही आप इसको लिखो इसका इन्वर्स वाला फॉर्म भी लिख दो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स, ये होगा।
तो यहाँ पर थीटा टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू थीटा पुट करना पड़ेगा अपने को, समझ रहे हैं आप, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, थीटा, जब एक्स इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा इधर आके, तो वो लिख दिया हमने थीटा इंटू थीटा अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल पावर थ्री बाई टू इंटू डी थीटा। ओके ये लिख लिया, अब देखो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, इजी करें, दैट इक्वल टेन थीटा इंटू थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का पावर थ्री बाई टू इंटू डी थीटा, दैट इक्वल थीटा को मैं पहले लिखता हूँ, थीटा इंटू ये टेन थीटा को लिख लो आप साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा और अपान कास थीटा को मैं इसका नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, पावर टू के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है, तो हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान कास क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, दैट इक्वल इंटीग्रेशन आप। अब यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, x इक्वल टू टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ही होगा टेन थीटा, एक मिनट है चेक करता हूँ मैं, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे डी बाई डी एक्स डी बाई डी सेक स्क्वायर थीटा ही होगा, डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हम x के जगह में रखेंगे टेन थीटा, वो थीटा हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर थ्री बाई टू ही है ना, कहीं क्वेश्चन गलत तो लिख नहीं लिख लिया मैंने, टेन इनवर्स एक्स को थीटा लिखा, इसके बाद डी एक्स का वैल्यू, अरे डी एक्स का वैल्यू तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, तभी तो सोच रहा था इतना लेंदी पोर्शन यहाँ पर आएगा नहीं, ओह यहाँ पर मुझे एक और वैल्यू पुट अप करना था ना, उसके बाद ये होता, ये सेक यहाँ पर जो डी एक्स का वैल्यू है मैंने सीधा उसके जगह में, अरे सेलेक्ट है ये पेन सेलेक्ट करना था, कोई दिक्कत नहीं, टेन इनवर्स एक्स ये है थ्री बाई टू डी एक्स, ये जो डी एक्स का वैल्यू है वहाँ पर मैं डी थीटा पुट कर दिया था, डी एक्स का वैल्यू तो पूरा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है, तभी उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, ये तो बहुत लेंदी पोजीशन आ गया था इसका, चलिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आप समझ लेना उसको, अब इंटू यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, अब ये सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर सेक क्यूब थीटा होगा, एक लाइन और लिख देता हूँ, ये हो गया, चलो ये लाइन को मिटा ही दूँ मैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न बेकार है, यहाँ से नए सिरे से लिखता हूँ उसको, चलिए यहाँ तक क्लियर, दैट इक्वल टेन थीटा को टेन थीटा रहने दो, टेन थीटा इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपान ये पावर टू है कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। अब इसका एडजस्टमेंट करें अपन, तो दैट इक्वल, अब यहाँ ध्यान देना ये सेक स्क्वायर है ये क्यूब है, तो यहाँ पर एक सेक थीटा बचेगा, ये तो कैंसिल आउट होएगा, और इसको मैं लिख रहा हूँ साइन अपान कास थीटा को सामने लिख दिया, ये हो गया साइन थीटा अपान कास थीटा और इनटू ये बचेगा क्या सेक थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखो कास थीटा इंटू सेक थीटा वन होता है, क्यों होता है, क्योंकि सेक थीटा को हम वन अपान कास थीटा लिख सकते हैं, और जब इसको वन अपान कास थीटा लिखेंगे इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयर फॉर आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू इसके साथ साइन थीटा बस बचेगा, तो थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसको यू इंटू वी से अपन इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका जो पहला पार्ट होगा देखो ये यू होगा, इसको हम यू ले लेंगे और इसको ले लेंगे वी, और ये काम तो मैं अभी किया हूँ, ठीक है, थीटा इंटू साइन थीटा इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मैं कर ही देता हूँ, अब अधूरा छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर तक तो मुझे दिखा दूँ एक बार, बाकी इसके बाद क्वेश्चन सब वैसे ही हो जाता है, जो काम है इतना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन,
आगे का काम या काम आप 10 बार कर चुके हैं, वही आता जाएगा, मेरे लिए बोरिंग वर्क हो जाता है, आपका तो पूरा ऐसे ही याद हो जाएगा वो। देखो दैट इक्वल, थोड़ा जगह बना दूं इसमें मैं, थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा होल इंटीग्रेशन डी थीटा दैट इक्वल थीटा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस को सामने लिख दिया, अभी किया हूं मैं जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, ये हो गया वन, इसका हो जाएगा माइनस, तो प्लस, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा डैट इक्वल टू माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस इसका हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा दैट इक्वल। अब यहाँ पर वैल्यू को हमको पुट अप करना है, देखो यहाँ पर एक नया चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा, कैसे, हमने सब्स्टिट्यूशन किया है टेन थीटा का, और जहाँ हमको लाना है वहाँ पर आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसके हेल्प से हमको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा देखो, आप मैं थोड़ा सा डायरेक्ट वर्क कर रहा हूँ, दूसरे कलर से हाईलाइट करके मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर आप अलग से लिखना उसको, लेकिन यहाँ पर मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। ये टेन थीटा है और इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपान वन, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। तो इसके सहायता से हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, हाइपोटेनियस एच लिख रहा हूँ मैं, माने कर्ण, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लंब एक है और आधार एक्स है। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में आपको, तो हाइपोटेनियस निकल गया, तो इसकी सहायता से यदि हम साइन थीटा निकालें, तो देयरफॉर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसका एक्स, और कर्ण ये निकल गया, तो हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी बना के बता सकते हो, एक समकोण त्रिभुज बना के, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आप निकालना चाहो तो आधार का वैल्यू ये है, तो वन अपॉन हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में, क्यों इसका जरूरत पड़ा हमको, क्योंकि यहाँ पर यह तो इंटीग्रेशन हो चुका है, अब कहाँ थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट अप करना है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, माइनस थीटा का वैल्यू, यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस साइन थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आंसर आया है, माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो हम इसको एलसीएम लेके कंबाइन भी कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन जरूरी भी नहीं है, ये फाइनल आंसर है। देखो तो यहाँ पर एक नया बात आप समझे इस क्वेश्चन में, कि हमको सॉल्व करने के बाद ये कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में आंसर मिल रहा है, और हमने जो सपोज किया था वो टेन थीटा के फॉर्म में किया था यहाँ से, तो टेन थीटा की सहायता से ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कि एक ट्रिग्नोमेट्री मतलब उसका रेशियो पता हो, साइन पता हो या कॉस पता हो, तो हम पूरा बाकी पाँच को निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा पता है एक्स अपान एक, तो वहाँ से ये समझ में आया ना आपको, तो यहाँ से आप शुरू से निकाल के रखना, या नहीं निकाल के रखोगे तो लास्ट में भी वहीं पर आप निकाल के दिखा सकते हो। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये ध्यान रखना कि यदि हमने सब्स्टिट्यूशन दूसरा ट्रिग्नोमेट्री किया है और आंसर दूसरे फॉर्म में आ रहा है, तो उसको निकाल के पुट अप करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करो, ये क्वेश्चन बहुत से बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पर्टिकुलर बिना चेंज किए, इस एक्सरसाइज का एक खासियत है कि इसमें क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, जैसा है वो से हूबहू आपको वर्ड टू वर्ड वैसी का वैसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप कोई भी बोर्ड की स्टूडेंट हो, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए रेडी है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। आज मैं दो तीन पैटर्न जो आपको समझाऊंगा, बिल्कुल 100% उस पैटर्न का या वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट मैं एक और बता दूं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, फिर वही वही काम है, फिर वही वही काम है। कुछ देर बाद आपको लगने लगेगा हम तो वही वही क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन मैं ले लिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सब क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड राइटर में, आपको एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, आप जो भी स्टेट बोर्ड भी पढ़ते होंगे, आर एस अग्रवाल, सब में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो यहां पर आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि क्या पुट करना है। ये हमको बताता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कि हमको यहाँ पर 10 पुट करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन दिखता है तो यहाँ पर ऐसा साइन सपोज नहीं करना है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार पीछे चलूँ थोड़ा, आपको ये भी हो जाए कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। x अपॉन इस पार्ट में नहीं है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पैटर्न का क्वेश्चन है वो। हेलो स्टूडेंट्स, अनएकेडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर, आस्क ए डाउट, क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क ए डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यदि MCQ क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अनएकेडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके थैंक यू। जहाँ पर हमने एक्स को क्या सपोज किया है, 10 थीटा पुट किया है। ठीक है, उसके हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि वो 10 थीटा है। पैटर्न वही है, डायरेक्ट वही नहीं लिखा, ये माइनस में भी प्लस में दोनों में हम उसको वही सपोज करते हैं। ये टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूशन टू 10 थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख ही देता हूं आपको 16 नंबर में, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इस फॉर्म में हो तो आपको x इक्वल टू 10 थीटा सपोज करना चाहिए। क्यों मालूम? यहां पर मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बता देता हूं। यहां पर जैसे आप पुट करोगे तो 2 tan थीटा, यह मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यह मिलेगा, और जो कि साइन 2 थीटा के बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, यह साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यदि हम एक्स इस फॉर्म में रखें तो वो ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, वो कास्ट 2 थीटा के बराबर होता है। तो कभी भी हम जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला भी बनना चाहिए, तभी उसका मतलब रहता है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं रहता है। क्लियर? ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। आप
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहां पर हमको क्या पुट करना, मैंने बताया यहां पुट करना है x इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर हमको जरूरत पड़ता है, यहीं से निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अपन क्या, टेन इनवर्स x, इसका जरूरत पड़ता है, यहां निकाल के उसको रख ही देना चाहिए क्योंकि यहां थीटा की जरूरत पुट रखने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ठीक, इसका डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टेन टू थीटा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तेजी से बता रहा हूँ, आप समझ गए हो, देयरफॉर अब वैल्यू कहाँ पर पुट अप करें, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स रहेगा अंदर में, अभी जो फार्मूला बताया ये हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बल्कि उससे आसान क्वेश्चन है, इनटू ये जो dx का वैल्यू है ये हमने निकाल के रखा है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये हो गया दैट इक्वल। आगे इसको हमको सॉल्व करें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, एक इसका फार्मूला बताया मैंने आपको साइन टू थीटा, देखो इसीलिए बगल में साइन है इसका, इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन टू थीटा है तो साइन साइन हट जाएगा, क्या बचेगा टू थीटा, तो देयरफॉर आई इक्वल टू टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर, तो यह हो गया साइन टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब नेचुरली आपको पता चल गया कि कैसे इंटीग्रेशन होगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा से, मतलब यहाँ पर ये यू है ये वी है, टू को हम परमानेंट बाहर कर दें और ये फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इसका डी थीटा, दैट इक्वल ये टू, ये हो गया थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा डी थीटा, टू तो परमानेंट बाहर है, ये इसमें भी साइन का चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, लॉग सेक थीटा हो जाता है, ठीक है डायरेक्ट हो जाएगा ये, दैट इक्वल थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा, लॉग के फॉर्म में आया हुआ है ना, इंटीग्रेशन तो हो गया, अब हमको इसका वैल्यू पुट अप करना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, दैट इक्वल टू, और टू को बाहर ही रहने देता हूँ, उसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ही मतलब नहीं है, या क्लोज रखो तभी, थीटा टेन इनवर्स एक्स, या थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू एक्स, ये हो गया इंटू एक्स माइनस लॉग, प्रॉब्लम यहाँ है, तो प्रॉब्लम यहाँ कैसा है, यह है sec थीटा, sec थीटा को लिख सकते हो आप रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, sec थीटा को रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना रूट ऑफ वन प्लस, और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इतना डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। sec थीटा को मैं दो लाइन और लिखता, कुछ जरूरत नहीं है, sec थीटा को लिखेंगे रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में हम आंसर को लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में मैं आंसर बार टेली कर लूँ, टू एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू ठीक माइनस वन अपॉइंट टू वन प्लस स्क्वायर, ठीक है, अपना अपना आंसर लिखने का तरीका होता है, उसने क्या किया है ये जो रूट लगा है ये रूट, उस रूट को सामने वन अपॉइंट टू करके लिख दिया हो, चाहो तो उसी फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ये टू अंडर ब्रैकेट ये एक्स को सामने, इसको तो सामने लिखना चाहिए, मैंने आपको और बताया था अगल बगल होने से कन्फ्यूजन होता है, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस ये जो रूट लगा है उसको एम टू द पावर एन वाले फार्मूला से बाहर ले आए तो हो जाएगा वन अपॉइंट टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है, ओके तो एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉइंट टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये एक क्वेश्चन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग पैटर्न, तो ऐसे लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई चेंजेस लाना होगा वो उसको आपको करना है,
कुल मिला के इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा अच्छा कमांड होना चाहिए, फार्मूले वगैरह खासकर। जैसे यह एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन है कि मान लो आपको यह नहीं पता है कि 2 tan θ / 1 tan²θ ये होता है sin²θ, तो यही परेशानी हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फिर मैं ये क्लास को आज कंप्लीट करता हूँ, और क्लास क्या यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने लास्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ आपको स्पेशल बताया, जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कैंसिलेशन लॉ बताया और स्पेशल पैटर्न का दो बताया, e^x sin(bx) और cos(bx) वाला, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इसको स्पेशल तैयार करना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन का। आप लोग को बहुत दिन से इंतजार है, मुझे मालूम है, बहुत जल्दी हम निश्चित समाकलन को कंप्लीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, अभी कैलकुलस चलेगा कुछ दिन। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि जब मैं आपको अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, निश्चित समाकलन, तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट आपका 100% तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसमें 90% वर्क यही है। लास्ट का 10% वर्क में हम सिर्फ उसमें लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बाय द वे आपको इंटीग्रेशन करना ठीक से नहीं आता, तो फिर निश्चित समाकलन, आपको समाकलन ही नहीं आता तो निश्चित समाकलन कैसे होगा? तो पूरा इससे जुड़ा हुआ है। तो आपको मेरा सजेशन है कि आपके उस वीडियो, आप जैसे सर जल्दी बनाओ बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अपना भी मूल्यांकन करो कि क्या मेरा पीछे का 100% तैयार है। है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहला काम है उसको आपको ढंग से तैयार करो। तो आप एक दो दिन या आज कम से कम उसको 100% एक बार रिवाइज कर लो, फिर इमीडिएट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू।